हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं बोल्ट ऑडियो Tru5ive वायरलेस एयरफोन्स या ईयरबड्स आप इन्हें कह रहे हैं। और एक अच्छी बात इन ईयरफोन्स की ये है कि ये ईयर सपोर्ट के साथ है, ईयर लूप्स के साथ आते हैं, जो कि और भी कोई ईयरफोन्स आप कंपनी आपको नहीं देती। तो आज की इस वीडियो में से अनबॉक्स करने वाले हैं, देखेंगे कैसा ये प्रोडक्ट होने वाला है, क्या खासियत है इस प्रोडक्ट की, कितने का आपको ये मिल जाता है और क्या आपको ये लेना चाहिए ये नहीं। सो गाइस, ये रहा है बॉक्स इन ईयरबड्स का या ईयरफोन आप इन्हें कह लें। और यहाँ पर आपको मेंशन दिख जाएगा बोल्ट ऑडियो और कुछ बेसिक सी डिटेल्स दी गई हैं। बहुत ही सिंपल सी पैकिंग है प्रोडक्ट की। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, हम इसको बॉक्स को खोल लेते हैं, इन सील को हटा लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं किस तरह का ये प्रोडक्ट होने वाला है। तो इस बॉक्स को निकाल लेते हैं और यहाँ पर जो है अंदर रेड कलर का आपको ये एक पैकेज दिख जाएगा और इसके अंदर आपको कुछ जो है इनकी यूज़र मैनुअल वगैरह दिख जाएगी। यहाँ पर आपको जो है वारंटी की डिटेल्स मिल जाएगी। आपको अपनी वारंटी के लिए प्रोडक्ट की रजिस्टर करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखते हैं क्या मिल जाता है। एक यूज़र गाइड आपको देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरह की गाइड है बेसिकली इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। यूज़र गाइड आपको अंदर देखने को मिल जाएगी। तो जो और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इनकी ब्रांड की तरफ से वो यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर आ जाती है मेन चीज़, इसको निकाल लेते हैं हम बाहर। और ये जो है ये मेन इसका केस होने वाला है ईयरफोन्स का। और यहाँ पर एक और छोटा सा बॉक्स है, अंदर से पैकिंग जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव की गई है। यहाँ पर देखिए मेंशन है एसेसरीज, इसको निकाल लेते हैं। पैकिंग वाकई बाहर से सिंपल थी लेकिन अंदर से काफ़ी अच्छी पैकिंग की गई है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि के साथ बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अलग अलग कलर्स के आपको दिख रहे हैं, बेसिकली ये जो है ये ईयर लूप्स कहते हैं या इन्हें आप ईयर सपोर्ट कह सकते हैं। तो मैं एक निकाल लेता हूँ और क्वालिटी हम यहाँ पर देख लेते हैं तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएंगे। अगर मैं ये सब चीज़ें निकाल लूँ तो ये ईयर लूप्स इस तरह के हैं, छोटे भी आपको मिल जाते हैं और ये अगर आप ये बड़े वाले लगाना चाहें तो आपको ये मिल जाएगा। अलग अलग कलर्स में अवेलेबल हैं, एक येलो हो गया है, एक आपको ये पिंक कलर हो गया है, एक ये ग्रे टाइप कलर हो गया है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको ये अलग अलग एयरलूप्स मिल जाएंगे जो बहुत ही सही क्वालिटी के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। ये रबर टाइप मटेरियल है यहाँ पर और एक अच्छी क्वालिटी के आपको मिल जाते हैं और अच्छा सपोर्ट ईयर्स में मिल जाता है। और देख लेते हैं और क्या मिल जाता है यहाँ पर। इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको जो है कुछ ईयर टिप्स भी मिल जाएंगी जो कि काफ़ी सही है और काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और जो मैंने वायरलेस ईयरफोन्स कंपेयर किए हैं, जो रिव्यू किए हैं उनके कंपेरिजन मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है यहाँ पर। और एक आपको माइक्रो यूएसबी केबल देखने को मिल जाएगी जो कि ठीक ठाक एवरेज क्वालिटी की है। और आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ, ये है यहाँ पर आपको ये मैट फिनिश में देखने को मिल जाता है। और ऊपर की तरफ आपको लोगो देखने को मिल जाता है, बोल्ट ऑडियो का लोगो देखने को मिल जाता है, नीचे ये A1 लिखा हुआ है, कुछ इस तरह का आपको ये केस देखने को मिल जाता है है, इस तरह का आपको लुक मिल जाएगा। और साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर माइक्रो यूएसबी केबल आपको देखने का पोर्ट मिल जाएगा जहाँ पर आपको माइक्रो यूएसबी केबल जो है इस तरह से लगानी है ताकि आप इस केस को चार्ज कर पाएँ। ये बिल्ट इन बैटरी के साथ आता है तो इस केस के अंदर अपनी बैटरी होती है जो ईयरफोन्स को चार्ज कर सकता है। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ से इस केस को जो है थोड़ा सा टाइट है इसे खोल लेते हैं और कुछ इस तरह से जो है ईयरफोन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं। और थोड़ा सा जो केस है उसकी देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन खोलने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, इतना इजीली नहीं ओपन हो रहा है। और मैं इन ईयरफोन्स को निकाल लेता हूँ यहाँ पर तो कुछ इस तरह के ईयरफोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये हैं बेसिकली जो ईयर लूप्स लगे हुए हैं और आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई और ईयर लूप लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं, इस कलर का लगाना चाहे गर्ल्स वगैरह ये कलर यूज़ कर सकती हैं, बाकी ये कलर भी काफ़ी सही है। अगर हम बात करें इनकी बिल्ड मटेरियल की और क्वालिटी की तो यहाँ पर जो ईयर फोन्स हैं आपके, अगर ईयर लूप्स को हटाएं मेन इसकी बात करें तो जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक है। मैं बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको नहीं कह सकता हूँ, जो क्वालिटी है वो एवरेज आ रही है यहाँ पर, मतलब सही है प्राइस रेंज के हिसाब से, बहुत प्रीमियम नहीं कहेंगे। लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छी लगी क्योंकि ज़्यादातर शिकायत होती है कि जो ईयरफोन्स हैं ये वायरलेस ये निकल कर गिर जाते हैं जॉगिंग के टाइम पर, रनिंग के टाइम पर, तो उस टाइम पर ये जो है ये आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट देने वाले हैं। लेकिन आप मुझे बताइए क्या आप इन्हें यूज़ करना चाहेंगे, इस तरह के जो इतने बड़े ईयर लूप्स हैं ये अलग से नोटिस होते हैं तो आपको लगाना ये अच्छा लगेगा या नहीं। और यहाँ पर दूसरा भी हम निकाल लेते हैं तो कुछ इस तरह से आपको दोनों दिख जाएंगे ईयर लूप्स। और यहाँ पर अगर हम केस की बात करें तो ये रहा है इसका केस। और यहाँ पर ये जो बटन है ये आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन एक लाइट दिख जाएगी, एलईडी लाइट, इसका जो चार्जिंग स्टेटस है वो दिखाने के लिए। और जब आप इसको इसमें रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये केस के थ्रू जो है वो चार्ज भी होने लगेंगे
मैं इसको रखता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये चार्ज भी होने लगे हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ की जो मुझे कमी लग रही है कि ये मैग्नेटिक नहीं है, ये जो केस है ये मैग्नेटिक नहीं है। जैसे कि और केस आते हैं, जैसे मैंने आपके बोट के जो हैं एयरडोप्स उनका रिव्यू किया था और QCY का रिव्यू किया था, वो जो केस था वो मैग्नेटिक था, जब आप लगाते हैं तो बहुत ईजीली है ना फिट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम इसे करेंगे तो ये निकल कर गिर जाएंगे। तो देखिए ये गिर गया है, यहाँ पर मैग्नेटिक नहीं है, तो इनको मैग्नेटिक केस देना चाहिए था तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहता। तो चलिए इन एयरलूप्स को जो है हम यहाँ पर पेयर कर देते हैं और उनकी साउंड क्वालिटी देख लेते हैं। और एक और अच्छी बात जो ये है इन एयरलूप्स की, इन ईयरफोन्स की कहें या ईयरबड्स कहें, कि ये जो हैं वाटर प्रूफ हैं। हम एक वाटर टेस्ट भी यहाँ पर करने वाले हैं, और अगर आपको इनका प्लेबैक टाइम बताऊँ तो लगभग ये 6 घंटे तक का आपको प्लेबैक टाइम यहाँ पर दे देते हैं, ऐसा कंपनी का क्लेम करना है। और 3 बार तक ये जो केस है आपका इन ईयरबड्स को चार्ज कर सकता है। तो चलिए मैं इनको पेयर कर लेता हूँ और फिर आपको बेहतर बताता हूँ कि कैसी यहाँ पर क्वालिटी है। सो गाइस, अगर हम क्वालिटी की बात करें यहाँ पर, तो क्वालिटी की काफ़ी अच्छी है, मुझे पसंद आई यहाँ पर क्वालिटी इन ईयरफोन्स की। और यहाँ पर बेस भी काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही है, तो यानी अगर आप बेस लवर्स हैं तो आपको ये जो ईयरफोन्स हैं ये काफ़ी पसंद आने वाले हैं। और एक और बात, जो इसका माइक है वो नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ आता है, तो माइक जो है वो मुझे काफ़ी सही लगा, इस पर क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो चलिए इसका एक वाटर टेस्ट कर लेते हैं, हम इसको पानी में डालने वाले हैं और यहाँ पर देखेंगे कितनी देर तक ये पानी में रहता है और वर्क करता है या नहीं करता है। तो मैं बाउल उठा लेता हूँ, तो ये आ गया है यहाँ पर बाउल। और वैसे तो मुझे पानी ज़्यादा लग रहा है इनके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, एक हार्ड टेस्ट जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर ये रहे ईयरफोन्स, और अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको लाइट दिख जाएगी ये, और इनको मैं जो है मैंने डिस्कनेक्ट ऑलरेडी करा हुआ है फ़िलहाल तो, और मैं इनको टाइमर लगा लेता हूँ यहाँ पर एक। तो बेसिकली 1 मिनट का मैं यहाँ पर टाइमर लगा रहा हूँ, और 1 मिनट के लिए हम इन्हें देखने वाले हैं कि इस 1 मिनट तक ये बर्दाश्त कर पाते हैं इस पानी को या नहीं। तो 1 मिनट यहाँ पर हो गया है और मैंने इन्हें बाहर निकाले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको लाइट दिख जाएगी कि ये अभी भी ऑन है। तो इनको एक बार मैं पेयर कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को मैं सुनाऊंगा कि आवाज़ आ रही है इन ईयरफोन के अंदर से या नहीं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे पेयर कर लिया और मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ यहाँ पर। मैंने इसे फिलहाल अपने माइक को निकाला हुआ है। जैसे कि आपने देखा मैंने इनका वाटर टेस्ट किया, तो 100% वाटर प्रूफ है ये, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, इस पानी में डालने के बाद भी काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहे हैं। अब बात आती है सारी डिटेल्स को शॉर्ट में करते हुए, क्या ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए या नहीं। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो है 2600 रुपीज़, आप इसे अमेजन से परचेज कर सकते हैं, लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से चेक कर सकते हो। 2600 रुपये में क्या आपको इसे लेना चाहिए या लेना नहीं लेना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ जो है कि जैसे मैंने आपको बताया इसका वाटर टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है, अलग अलग के ईयर लूप के साथ आता है जो कि आपको कोई और ब्रांड प्रोवाइड नहीं करता, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात है कि आपको इसके अंदर ईयर सपोर्ट मिल रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा अगर जॉगिंग वगैरह करते हैं या आपको स्पोर्ट्स पसंद करते हैं और उसमें आपको इसे यूज़ करना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ईयरबड्स के कंपैरिजन में। और बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। थोड़ी सी चीज़ें जो मुझे डिसअपॉइंट करती हैं वो ये हैं कि जो इसका केस है, इसका जो लॉक सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है, इतना प्रीमियम नहीं है। दूसरी बात, जब आप इन ईयरबड्स को केस के अंदर रखते हैं तो मैग्नेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक सेट नहीं होते, आपको मैनुअली सेट करने पड़ते हैं, और अगर केस खुला हुआ है ऐसे करेंगे तो वो निकल कर गिर जाएंगे। और तो मुझे और कुछ इसमें कोई कमी नहीं दिख रही है, बस ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर लगी हैं। तो आई होप आपको बेहतर समझ में आ गया होगा सारी डिटेल्स के बारे में। तो 2600 रुपये के अंदर अगर आप चाहते हैं कोई ईयरफोन जो कि सपोर्ट करे, आपके ईयर सपोर्ट आपको साथ में मिल जाए, ईयर लूप्स मिल जाए, तो उसके लिए आप जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। नहीं तो और बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे मैंने आपको वो दिखाया था बोट का एयर डोप्स दिखाए थे, उसका जो केस था वो काफ़ी प्रीमियम था। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो इसका प्लेबैक टाइम वो 6 घंटे का मैंने आपको बताया है, और जो केस है वो 3 बार तक इसको चार्ज कर सकता है, तो प्लेबैक टाइम भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है यहाँ पर, आपको ये चीज़ कंसिडर करनी होगी। तो बाकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पर मुझे नहीं लगी, और एक मीडियम क्वालिटी यहाँ पर लग रही है, और तो इतना कुछ खास नहीं है। इस रेंज के अंदर आपको और सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बोल्ट के एयरडोप्स मिल जाएंगे, QCY के हैं और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो कुछ इतना खास नहीं है, आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशलिटी सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर आपको ईयर सपोर्ट मिल रहा है, तो उसको देखते हुए ये बेस्ट बाय है इस प्राइस
इसके अंदर क्योंकि कोई और ऑप्शन आपको नहीं मिलता। बाकी ईयर लूप्स को अगर साइड में रखें तो नॉर्मल हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, आप उनके लिए भी जा सकते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको ये जो है ईयरफोन्स ये कैसे लगे, और आप अगर यूज़ करते हैं तो कौन सा ब्रांड आप यूज़ करते हैं, और क्या आप इन्हें परचेज़ करना चाहेंगे या गिव अवे में पाना चाहेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक गिव अवे लेके आऊँ एयरफोन्स का आप लोगों के लिए, आप लोगों ने पहले भी डिमांड की थी। तो अगर इस वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में कुछ गिव अवे रखूँगा एयरफोन्स का। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे एयरफोन्स ऑलरेडी हो गए हैं, पिछले दो ब्रांड्स का मैंने किया था और यहाँ पर ये है, और भी कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए स्पेशल सरप्राइज। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर दीजिए। मैं आपके लिए कहता हूँ रोज़ ऐसी वीडियोज़, ऐसी चीज़ें, ऐसे गैजेट्स जो आपको पसंद आए आपके काम में है। दोस्तों मैं वही खुदा हाफिज, बाय बाय।